आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। आइए डालते हैं एक नजर यूपी की सभी छोटी बड़ी खबरों पर। राज्यसभा सांसद के गढ़ में सपा की सेधमारी की तैयारी। सम्मान समारोह में पूर्व राज्य मंत्री ने भरी हुंकार। बबलू सैफी ने संभाली उझानी की कमान। जी हां, यूपी के बदायूं में समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी तैयारियों में जुट गई है। सपा के कद्दावर नेता इस बार राज्यसभा सांसद बीआर वर्मा के गढ़ में सेधमारी कर अपने पुराने किले को फिर से आबाद करने की तैयारी में हैं। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बिमल कृष्ण अग्रवाल पप्पी भैया ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्हें दिशा निर्देश दिए। वहीं बबलू सैफी ने उझानी की कमान संभाली। कस्बा उझानी स्थित पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बिमल कृष्ण अग्रवाल के कोल्ड स्टोरेज पर कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के तमाम कद्दावर नेता व सपा के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। सम्मान समारोह में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। बोले, जिले में इस बार फिर से पुराना इतिहास दोहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के तानाशाही रवैये से जनता ऊब चुकी है और इस बार फिर से जिले में सपा का परचम लहराएगा। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष बबलू सैफी ने उझाने की कमान संभाली और नगर इकाई का गठन कर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। इस मौके पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद मियाँ, टेढ़ामल अग्रवाल, मोहत शाम सिद्दीकी, राम प्रवेश यादव, गोपी बल्लभ शर्मा, कुसुम यादव, वीरपाल सिंह, गौरव वाल्मीकि, स्नेह उपाध्याय, अमन अख्तर, कौशल शर्मा आदि मौजूद रहे। इंडिया पावर न्यूज के लिए मोहम्मद आरिफ खान की विशेष रिपोर्ट। जो यहाँ पर अपनी टीम बनाई गई है 25 सदस्य, उनका सम्मान समारोह और उनको प्रमाण पत्र जारी करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। साथ ही हमारे तमाम यहाँ पर जिले के और विधानसभा के हमारे सम्मानित नेता हैं, उनको भी यहाँ सम्मान देने का काम किया है। साथ ही समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी उन लोगों को थी। बस इतना ही कहना चाहोगे सर? कहने को तो बहुत कुछ है। इस सरकार ने जवान पर ताले डाल दिए हैं लोगों के, लेकिन हम तो नेता हैं, डरते नहीं हैं किसी चीज़ से। जी जी। सबसे बड़ी बात जो आज दौर की है, जिससे पूरे देश और प्रदेश के लोग पीड़ित हैं, वो है महंगाई। जी। जो झूठे वायदे किए थे हमारे मोदी जी ने, सारे झूठे निकले हैं। और तमाम उनको जैसे शुरू में तो कहा गया था वो निकले, हम कहना अवध टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम